गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 हिंदी, जिसमें हम क्रिया के काल देख चुके हैं। हमने देखा कि जो काल है उसके 3 भेद होते हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्यत काल। पिछले वीडियो में हमने देखा था भूतकाल। भूतकाल के बारे में शॉर्ट में हम देख लेते हैं और उसके बाद हम आज नया टॉपिक देखेंगे, वर्तमान काल। भूतकाल में हमने देखा था कि भूतकाल किसे कहते हैं, कि क्रिया के उस रूप से जिससे हमें ज्ञात होता है कि कोई क्रिया बीते हुए समय में घटित हो गई है, मतलब हो चुकी है, उसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। अब भूतकाल में भी हमने देखा था कि भूतकाल को भी 6 भागों में बांटा गया है। जैसे सबसे पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और लास्ट है हेतु हेतुमत भूतकाल। हमने देखा था कि सामान्य भूतकाल हम किसे कहेंगे, जिस काल से भूतकाल में क्रिया सामान्य रूप से संपन्न होने का बोध होता है, मतलब क्रिया हो चुकी है, उसका बोध जब होता है तब वो होगा सामान्य भूतकाल। हमने एग्जाम्पल भी देखा था, श्रीकांत गया। फिर दूसरा रूप देखा था हमने आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के अभी अभी समाप्त होने का बोध, मतलब जब हम बोल रहे हैं उससे पहले ही क्रिया समाप्त हुई है, तो वो किस में आएगा, आसन्न भूतकाल। जैसे मैंने खाना खा लिया, हम खाना खा चुके होते हैं उसके बाद हम बोलते हैं, तब ये सेंटेंस होगा आसन्न भूतकाल में। तीसरा हमने देखा था पूर्ण भूतकाल, जिसमें क्या होगा, भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया के बहुत पहले ही पूर्ण हो जाने का बोध हो, मतलब जो क्रिया है वो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी होती है, तब वो होगा पूर्ण भूतकाल। मैंने बोला था कि पूर्ण मतलब क्या, खत्म हो जाना, क्रिया ऑलरेडी हो चुकी हुई होती है। उसके बाद हमने देखा था अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण का अपोजिट है अपूर्ण भूतकाल, क्रिया की जिस रूप से यह ज्ञात हो कि काम भूतकाल में प्रारंभ तो हो चुका था परंतु काम पूरा हुआ या नहीं उसका पता न हो, तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब ये तो हमें पता है कि काम भूतकाल में शुरू हो चुका था, लेकिन पता नहीं है कि वो काम खत्म हुआ था या नहीं। जैसे करिश्मा नाच रही थी, अब हमने जब देखा था तब करिश्मा नाच रही थी, लेकिन अब पता नहीं कि करिश्मा अभी भी नाच रही है या नहीं, तो ये हुआ अपूर्ण भूतकाल। उसके बाद हम देखें संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का मतलब भी मैंने समझाया था, संदिग्ध मतलब शंका, डाउट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हमने देखी थी कि क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया के होने का संदेह हो, संदेह होना शंका होती है, तब वो क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल। उसका एग्जाम्पल भी हमने देखा था, शिवम स्कूल चला गया होगा, गया है या नहीं वो श्योर नहीं है, लेकिन हम इसमें शंका व्यक्त कर रहे हैं, चला गया होगा। और लास्ट है हेतु हेतुमत भूतकाल, जिसमें हमने देखा था कार्य कारण संबंध होता है, और उसकी डेफिनेशन हमने देखी थी कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में हो सकता था परंतु किसी कारणवश नहीं हो पाया, उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे पानी बरसता तो फसल अच्छी होती। उसके दूसरे एग्जाम्पल भी हमने देखे थे। आज हम देखेंगे नया टॉपिक, वर्तमान काल। देखते हैं हम वर्तमान काल की डेफिनेशन। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि क्रिया उस समय घटित हो रही है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान मतलब प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है वो। जैसे एग्जाम्पल हम देखें, राम खाता है, सुरेश पढ़ रहा है। वर्तमान काल के निम्नलिखित 3 भेद माने गए हैं। और वर्तमान काल, जैसे हमने देखा भूतकाल को 6 भाग में डिवाइड किया है, वैसे ही वर्तमान काल को 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है सामान्य वर्तमान काल, उसकी हम डेफिनेशन देखें। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने का बोध हो, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं।
मतलब क्रिया अभी प्रेजेंट में हो रही है वो दर्शाने वाला जो सेंटेंस होता है वो सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण होगा। एग्जाम्पल हम देखें, सुरेश पढ़ता है। हम जब ये सेंटेंस बोलते हैं तब सुरेश क्या कर रहा होता है? पढ़ रहा होता है। दूसरा है, पिताजी भोजन करते हैं। तीसरा, नूतन प्रतिदिन व्यायाम करती है। इस क्रिया में ता है, ती है, ते है जुड़ते हैं। इसे पहचानने के लिए हम कौन सा शब्द याद रख सकते हैं? क्रिया में लास्ट वर्ड होगा ता है, ते है या ती है। दूसरा हम देखें वर्तमान काल का दूसरा रूप, अपूर्ण वर्तमान काल। डेफिनेशन देखें, क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि क्रिया वर्तमान काल में प्रारंभ हो गई है तथा अभी चल रही है परंतु पूरी नहीं हुई है, उन्हें अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहा है यहाँ पे कि क्रिया प्रारंभ तो हो चुकी है और अभी भी वो क्रिया चल रही है लेकिन वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो वो कौन सा काल आएगा? अपूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि क्रिया पूरी नहीं हुई है तो वो अपूर्ण में आएगा। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब पढ़ने की क्रिया अभी शुरू हो गई है और अभी भी चल रही है, वो ख़त्म नहीं हुई है। जब हम बोलते हैं मैं पढ़ रहा हूँ तब वो क्रिया अभी चालू ही है। दूसरा है, मैच चल रहा है। तीसरा, नेहा पढ़ रही है, हम खाना खा रहे हैं। ये सारे एग्जाम्पल हैं अपूर्ण वर्तमान काल के। क्रिया के इस रूप में धातु के साथ रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग होता है। और तीसरा हम देखें वर्तमान काल का तीसरा भेद, संदिग्ध वर्तमान काल। मैंने आगे भी आपको समझाया है संदिग्ध का मतलब ही होता है संदेह या शंका। उसकी डेफिनेशन हम देखें, क्रिया के जिस रूप द्वारा काम के वर्तमान काल में होने या करने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पानी बरस रहा है या नहीं वो पता नहीं है, यहाँ पे शंका व्यक्त हुई है रहा होगा। दूसरा है, पिताजी बाजार जाते होंगे। तीसरा, कविता स्कूल से आ रही होगी। इस प्रकार के क्रिया के वाक्यों में रहा होगा, रहे होगे और रही होगी शब्द क्रिया के साथ जुड़ जाते हैं। ये हुआ हमारा वर्तमान काल और उसके तीन रूप, जिसमें हमने देखा सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। तीसरा हम देखते हैं भविष्यत काल, और डेफिनेशन है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया आने वाले समय में घटित होगी उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे राम पढ़ेगा, पिताजी कल आएंगे, हम बाजार जाएंगे, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो भविष्य काल को दर्शाते हैं। भविष्यत काल के निम्नलिखित तीन भेद माने जाते हैं। अब भविष्य काल के भी तीन भेद हैं। सबसे पहला है सामान्य भविष्यत काल। जैसे हमने सामान्य वर्तमान देखा वैसे ही है सामान्य भविष्यत काल। उसकी डेफिनेशन हम देखें, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भविष्यत काल में सामान्य रूप से होगी उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कल हमारे विद्यालय का क्रीड़ा दिवस मनाया जाएगा। हमें पता है, पक्का पता है कि कल हमारे स्कूल में क्या है, क्रीड़ा दिवस मतलब स्पोर्ट्स डे मनाया जाएगा, ये तय है। दूसरा है, उदय बाजार जाएगा, गरिमा प्रथम आएगी। ये जो क्रिया है वो हुई नहीं है लेकिन इतना पक्का पता है कि ये भविष्य में होने वाली है, तो ये जो है वो क्या होगा, सामान्य भविष्यत काल। दूसरा रूप है उसका संभाव्य भविष्यत काल। अब संभाव्य का मतलब होता है संभावना, और संभावना को भी हम संदेह बोल सकते हैं। डेफिनेशन देखें, क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि क्रिया के भविष्य में होने का संदेह अथवा संभावना है, मतलब हो सकती है क्रिया, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हो सकता है मेरे पिताजी आज आएंगे, आ जाए। दूसरा, शायद पानी बरसेगा।
क्रिया हुई तो नहीं है, लेकिन हमें ऐसा संदेह होता है कि शायद हो सकता है, तो वो आएगा संभाव्य भविष्यत्काल। तीसरा, हेतु हेतुमत भविष्यत्काल। उसकी डेफिनेशन देखें, क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि भविष्यत्काल में क्रिया किसी अन्य क्रिया के होने पर ही होगी, उसे हेतु हेतुमत भविष्यत्काल कहते हैं। हमने आगे भी देखा था कि हेतु हेतुमत का मतलब होता है कार्य कारण संबंध होता है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दूँ, यदि टिकटें मिल गई तो हम नाटक देखने जाएंगे। यहाँ पे नाटक देखने की जो क्रिया है वो किससे जुड़ी हुई है, टिकट मिल जाने से जुड़ी हुई है। एक कार्य होगा तो ही उसके साथ जुड़ा हुआ दूसरे कार्य संपन्न होगा। फिर है, यदि तुम परिश्रम करोगे तो कक्षा में अवश्य प्रथम आओगे। यहाँ पे भी प्रथम आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। मतलब क्रिया किसी अन्य क्रिया के होने पर ही हो सकती है, तो वो होगा हेतु हेतुमत भविष्यत्काल। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर नंबर जो है क्रिया वो ख़त्म होता है। और मैंने यहाँ पे क्रिया के सारे जो डेफिनेशन है, क्रिया के काल है, क्रिया के काल के जो भेद है, वो सारे एग्जांपल के साथ समझाए हैं। बहुत ही इजी है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके नोट्स दूंगी जो आपको अच्छे हैंडराइटिंग में हिंदी ग्रामर की टेक्स्ट बुक में लिखनी होगी। यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं जो आपको खुद करने होंगे। धन्यवाद। एमसीक्यू टाइप कितने क्वेश्चन आंसर है जो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रिया के होने या करने के समय का पता चलता है। ऑप्शन है संज्ञा से, काल से, कर्म से या कर्ता से। तो हमने अभी अभी सीखा है कि क्या आएगा आंसर, क्रिया के होने या करने के समय का पता किससे चलता है, काल से। दूसरा है, काल के कितने भेद होते हैं, 5, 4, 3 या 2। हमने कितने भेद सीखे हैं, 3। आंसर आएगा 3। जो क्रिया बीते समय में हो चुकी है उसे कहते हैं वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल या इनमें से कोई नहीं। बीते समय में हो चुकी है मतलब क्या आएगा, भूतकाल आएगा। क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी पूरा होने का पता चले वह कहलाता है अपूर्ण, आसन्न, संदिग्ध या सामान्य भूतकाल। आंसर आएगा आपका आसन्न भूतकाल। बच्चे मैदान से खेलकर चले गए, ये कौन सा काल दर्शाता है, भूतकाल दर्शाता है। नेक्स्ट है, आपको दिल्ली जाना होगा, ये कौन सा काल दर्शाता है, ये सेंटेंस हमें वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्यत्काल। आंसर आपका आएगा भविष्यत्काल। नेक्स्ट, किसी काम को करना या होना कहलाता है, क्रिया, कर्ता, कर्म या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या आएगा, क्रिया। सेकेंड है, काम करने वाले को कहते हैं कर्ता, कर्म, क्रिया या कार्य। क्या कहेगी जो काम करता है, वो कर्ता। क्रिया का मूल रूप कहलाता है, ऑप्शन है कर्म, क्रिया, धातु या कर्ता। हमने क्या सीखा है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाएगा, धातु। तो आपका आंसर आएगा तीसरा, धातु। एककर्मक व विकर्मक क्रिया के भेद है, सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक क्रिया या इनमें से कोई नहीं। आंसर कौन सा आएगा, सकर्मक के भेद है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद है, 2, 4, 6 या 3। हमने कितने सीखे हैं, 2। शर्माना क्रिया है कौन सी, नाम धातु, संयुक्त, प्रेरणार्थक या पूर्वकालिक। क्या आएगा, नाम धातु। क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु रूप, शब्द रूप, अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया। हमारा आंसर आएगा धातु रूप। लास्ट क्वेश्चन, जब कर्ता स्वयं काम न करके किसी और से करवाता है तो कहलाती है अकर्मक क्रिया, विकर्मक क्रिया,
प्रेरणार्थक क्रिया या एक कर्मक क्रिया? आपका आंसर क्या आएगा? प्रेरणार्थक क्रिया।